आज हम बनाएंगे हल्के मसाले वाले चटपटी बीन्स की सब्जी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 3 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म करके आधी छोटी चम्मच मेथी दाना और आधी छोटी चम्मच जीरा दाना इसे चटकने देंगे। इसके बाद अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। इसे डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 से 3 बड़ी चम्मच, और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद मसाले डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसाले को। मसाले को चलाते हुए चम्मच से अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तब इसमें डालेंगे बीन्स। मैंने बीन्स के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर लिया है, उसके बाद वॉश कर लेंगे। फिर हम मसाले में डाल देंगे बीन्स को और मिक्स कर लेंगे। गैस को हम हाई रखेंगे। बीन्स को चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, जब तक इसमें का पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। जब आपको लगे सब्जी में बिल्कुल पानी नहीं है, अच्छी तरह से सूख चुका है, तब इसे ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, फिर ओपन करेंगे। सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं एकदम चटपटी सी लग रही है ना। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे चपाती या दाल चावल के साथ एंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।